की पहली क्लास से लेकर एमबीबीएस तक के सारे कोर्सेज उस यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला। और ये बात है कि राजस्थान के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जब दूसरे स्टेट का बच्चा जाएगा तो जनरल कैटेगरी में जाएगा, बस इतना फर्क है। अपने स्टेट का जाएगा तो रिजर्व कैटेगरी में जाएगा, दूसरा स्टेट का बच्चा जाएगा तो जनरल कैटेगरी में जाएगा। तो खास कर मैं उन बच्चों से मुतवज्जो हूँ जो जिनका इस साल एडमिशन हो गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फ्री है। लेकिन जो बच्चे थे जो 12th पास आउट हुए हैं और 10th से उन्होंने पास किया है, वो आगे अपनी मंजिल को कैसे अचीव करें? खासकर जो बच्चे 12th क्लास जिन्होंने आज के साथ में पास किया, बच्चे हैं इसमें आर्ट्स और जिनके पास हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी जिनके पास है, उन बच्चों से मेरा खास तवज्जो है। उनके लिए बहुत अच्छा है, दो एग्जाम होते हैं आफ्टर 12th के बाद। एक एग्जाम का नाम है CUET, बहुत सारे लोग जानते होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हिंदुस्तान की जितनी भी 45 यूनिवर्सिटियां हैं उन सारी यूनिवर्सिटियों में जो एडमिशन होता है उस वाहि एक एग्जाम है। आपको एक फॉर्म भरना है, एक एग्जाम दिलवाना है, और कितनी यूनिवर्सिटियों में आप एलिजिबल हो गए? 45, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां। तो बच्चियां आपसे अपने दिन में हेल्प ले बैठे जो भी 12th पास आउट है, अभी से तैयारी में लग जाए। एक साल खराब होने से जिंदगी खराब होने से अच्छा एक साल खराब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम नीट की IIT की तैयारी के लिए कई कई साल लगा देते हैं, 4-5 साल। आप CUET की तैयारी के लिए एक साल लगाएं, आप जयपुर जाएं, दिल्ली जाएं, सीकर जाएं, तीनों जगह बहुत अच्छी। सीकर में आयाम कोचिंग इंस्टीट्यूट CUET की तैयारी करवाता है, जयपुर में बहुत सारे कोचिंग CUET की तैयारी करवाते हैं, दिल्ली के अंदर बहुत सारे। और अगर वो किसी को कम खर्चे पे करना है तो हमसे ताल्लुक करे। अलीगढ़ में बहुत अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इमेज क्लासेस है, बहुत अच्छी कोचिंग कराती है। अलीगढ़ कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी कोचिंग कराती है और बच्चों को रहने का भी बहुत अच्छा इंतजाम है। तो लड़के या लड़कियां जिनका 12th में अच्छा परसेंटेज आया है और इस साल कहीं पर उनका एडमिशन नहीं हो पाया, वो बच्चियां क्या करें? एक साल CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इस टेस्ट की पूरे साल जब तैयारी करें, मतलब पूरी जिंदगी आपकी एक तरफ और ये आपके जो आने वाले 10 महीने ये एक तरफ, कितनी लगन लगा दो इसमें। और एक अहद आज ही कर लो कि अपने घर पे न्यूज पेपर, अगर कोई पेरेंट्स बैठे तो इन बच्चों के लिए आज से अखबार लगा दे घर पे, और अखबार को ऐसे पढ़े, कैसे पढ़े? जैसे हमें ज्योग्राफी की बुक को पढ़ते हैं, जैसे बायोलॉजी की बुक को, बिल्कुल हाईलाइटर होना चाहिए। न्यूज में जितनी भी न्यूज था सबको हाईलाइट करें और न्यूज पेपर का भी एक अलग से नोट्स बनाए। ये तैयारी करें पूरी एक साल लगाओ इसके लिए, CUET के लिए। उसके थ्रू आपके पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े कॉलेज आपके लिए खुले थे, इस साल का तो दरवाजा बंद है। अब हम बात करें 2025 के लिए। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है, जो बच्चे आर्ट्स से पास हुए और इस साल उनका एडमिशन नहीं आया, वो LLB कर सकते हैं। लॉ का बहुत अच्छा स्कोप है। अभी हमारे एक सोनारी की लड़की जज लगी है, 2023 की पास आउट है और 2024 में मार्शल जज लगी है। उससे पहले BSU की दो बेटियां जज लगी थी, उससे पहले जलाली का जाकिर जज लगा था, इनके आधार में मतलब कम से बहुत सारे बच्चे हमारे जज कर सकते हैं। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, आर्ट्स वाले भी, साइंस, कॉमर्स, कोई भी, ये लॉ कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, प्लस टू के बाद BLLB होता है 5 साल का। इसके लिए बेटा आपको एक एग्जाम है, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? GLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। जैसे नीट MBBS के लिए होता है, नीट किसके लिए होता है? MBBS के लिए, जय मेन्स या जय एडवांस IIT के लिए होता है। ऐसे ही लॉ के लिए जितने भी हिंदुस्तान के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं उन सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक ही एग्जाम होता है, बस आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपको जगह जगह LLB का एग्जाम देने के लिए आप एक एग्जाम की तैयारी करो, वो कौन सा है? वो है GLAT। 2025 GLAT के फॉर्म अभी निकले हुए हैं। अब हम सोचते हैं कि बार पेपर होना जब देगा, जब फॉर्म तो हम नहीं ले पाए 25 के, 2025 के GLAT के फॉर्म निकले हुए। जो बच्चा लॉ करना चाहता है, जुडिशरी में अपना कैरियर बनाना चाहता है, लॉ में अपना कैरियर बनाना चाहता है, वो GLAT का फॉर्म अभी अप्लाई कर रहे हैं और ये फॉर्म अभी शायद 25 सितम्बर तक भरे जा रहे हैं। इस 15 तारीख से स्टार्ट हो गए, जो आज 15 तारीख है, कल से और अगले 25 सितम्बर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और बेटे और बेटियां, ये एग्जाम होगा कब, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम दिसंबर में ही हो जाएगा। अब हमारे पेरेंट्स के बच्चे सोचते हैं कि हम 12th का एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम फॉर्म भरेंगे। एग्जाम तो 12th के एग्जाम से भी पहले हो जाएगा। कब हो जाएगा? दिसंबर 2024 में ही हो जाएगा 25 का एग्जाम। तो GLAT के फॉर्म निकले हुए हैं, ये बहुत जबरदस्त एग्जाम है। अगर आपने यहाँ से GLAT से LLB आपने कर लिया तो आप जज बनना भी भूल जाएंगे, आप राजस्थान हाई कोर्ट में, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में बेहतरीन वकील बनेंगे। अगर आप अलग भी ना करेंगे तो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे वो आपकी गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, या रेमेंड्स है, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट होता है गवर्नमेंट लीगल एम्प्लॉई।
मैडम हमारा कैर फट जाता है, कंप्लेन करते नहीं करते कायर का, तो कंपनी अपना वकील खड़ा करती है, तो कंपनी क्या करती, रोजी अपने वकील करेगी ना, कंपनी क्या करती है, इनमें से जो ग्रेड के स्टूडेंट होते हैं उनको हायर करती है बड़े पैकेट पे। बड़े पैकेट का मतलब होता है 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पे। ये नहीं कोई गलत स्कोप नहीं, बहुत स्कोप है, मगर हम अलवर से करना छोड़े, हम नगीना कॉलेज से करना छोड़े, हम यूनिवर्सिटी कॉलेज से करना छोड़े, है कर लो, अगर बीए भी करनी है तो वो यूनिवर्सिटी से करनी है। बस नाम कैसी जगह है, वहाँ से वो ऐसा बस अड्डा, वो आईएसबीटी इंटरस्टेट बस टर्मिनल है, वहाँ से पूरे हिंदुस्तान की बस अवेलेबल है। हम कामा को बस अड्डा जाना हो कहाँ बस मिलेंगी, या फिरोजपुर की, या कैटवाड़ा की, या सीकरी की, हमें जाना कहाँ है, कहाँ जाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी तीन तरह की होती है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सिटी यूनिवर्सिटी और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। पहली कोशिश करें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोशिश करो कि अपने बच्चे को इनमें भेजें। इनमें जाएंगे कैसे, वही एग्जाम देना, बस एक कौन सा सीयूई थी, वो एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं होता एग्जाम, तो कोशिश करें कि स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। स्टेट यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, लहरसी नारायण यूनिवर्सिटी रोहतक, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई। तो असल मकसद जो है इनके लिए जाना है, और जो बच्चे इस साल टेंथ किए हैं उनके लिए मैं बताऊँ, जिन बच्चों ने इस साल टेंथ किया है वो 2 साल जान लगा देना, 11th और 12th में। अगर नीट में जाना तो नीट की प्रिपरेशन अभी से चालू करो, आईआईटी में जाना है तो आईआईटी प्रिपरेशन अभी से चालू करो। अगर आपका मकसद है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या मुंह या जामिया मिलिया इस्लामिया आपका जाना है, तो अभी से 11वीं 12वीं के साथ ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि जमाना बहुत आगे चला गया है। अभी 4-year प्रोग्राम चलने लगा है, बच्चे 8वीं से तैयारी कर रहे हैं, बच्चे 7वीं से तैयारी कर रहे हैं, बच्चे 6वीं क्लास से तैयारी कर रहे हैं। अगर बड़ा जंग लड़ना है तो तैयारी भी बड़ी करनी पड़ेगी, सोच लो है? अगर बड़ा जन की अगर तुम ये मान लो पुलिस में लग लो, माफ कर लो, फर्क लग लो, जब तो कुछ जाए जब तो क्या करो, बीए कर लो, अलवर तो तैयारी कर लो, नीट की तैयारी कर लो, अब जमाना नीट की तैयारी कर पुलिस की, ये भी जरूरी है, उनमें कुछ नहीं है। लेकिन ये बच्चे अलग है, ये बच्चे आम बच्चे नहीं है जो आज यहाँ पे बैठी है, ये तो हीरे है, हीरे बताए चावल की कीमत की है, इनको तो बहुत ऊंचे जाना है। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी की घूमत, नहीं तेरा नफे मन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों, तू तो गुम्बद पर नहीं बैठना, पहाड़ों की चट्टानों पे आगे चलना है। तो ये बच्चे खास बच्चे हैं, जिनका एडमिशन हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो 2025 के लिए अभी से तैयारी करें, क्लैट की तैयारी करें, सीयूईटी की तैयारी करें, जामिया मिलिया इस्लामी की तैयारी करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। रास्ते खुले हुए हैं, रास्ते बंद नहीं है, वही है क्योंकि लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, बहुत पहले से। मैं अपनी बताऊं, चलो मैं बताता हूँ, मेरी अभी मेरी बच्ची 7th क्लास है, वो 7th क्लास में मैंने सीख करना है, घरवाली के साथ वही शो करना है, क्यों इरादा है बड़े जंग लड़ने का, मतलब 6th क्लास में वो सीखा डाला, अपनी घरवाली को उनके साथ में डाला वहां प्लेट लेकर, ताकि जो एक इरादा कर रखा था, हार जाए होगा जंग में, लेकिन जंग की लड़ाई को इरादा तो कर रखे मजबूत, तो मजबूत इरादे करने पड़ेंगे जब जंग जीती जाएगी, बड़ी बड़ी नहीं ना जीती जैसे 90% याद दिखाते रोशन भुगते हमारा कमें हमारे पास जिनकी पिक्चर हमारे पास कुछ ना कहा करे कहीं का आपने ना वही हमने जब पता ये फार्म निकलेगा फार्म निकलेंगे क्यों क्योंकि तुमने तैयारी नहीं करी तुम्हें पता नहीं कि हमें जाना का है हमें कौन सी बस में बैठना है कौन सी बस का टिकट लेना है वो जरूरी है खासकर उनके टीचर्स की जिम्मेदारी हम टीचर है हमारी जिम्मेदारी है उनके फॉर्म अप्लाई करवाएं उनको ये बताएं बेटा राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के फॉर्म महारानी कॉलेज कितना जबरदस्त है भरो उसके फॉर्म पर्सन की पोता कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है लड़कों के लिए महाराजा कॉलेज है राजस्थान जयपुर है भरो उसके फॉर्म कोई टेस्ट नहीं परसेंटेज के यहाँ पे मैंने बताया अपने भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कोई टेस्ट नहीं होता किसी भी एग्जाम है सिर्फ किसको छोड़ के एमबीबीएस बीएमएस को छोड़ के किसी भी कोर्स ना एलएलबी में ना बीएमए ना बीकॉम में ना बीएससी में कोई टेस्ट नहीं होता सिर्फ बहुत अच्छे माशाल्लाह आप तो 95 वाले बच्चे 99 वाले बच्चे 92 वाले बच्चे आपका एडमिशन तो हो गई होगा तो थोड़ा सा जरूरी है जिस मंजिल को पाना है उसका टारगेट फिक्स करें और उस टारगेट पे कैसे पहुंचा जाए ये सलाह ले पूछे आजकल तो मोबाइल हमारे पास है उनमें देख सकते हैं जामिया कैसे जाए अलीगढ़ कैसे जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे जाए और जो बच्चे छोटी क्लास में खासकर उनके लिए जो बच्चे छोटी क्लास में अभी क्या काम करो माना आपका बच्चा 4th क्लास में 3rd क्लास में उसको अभी से टारगेट दे दो बेटा आपको 5th क्लास में नवोदय का टेस्ट क्वालिफाई करना है
आपको सिक्स क्लास का नवोदय का टेस्ट क्वालिफाई करना, आपको सिक्स क्लास का जामिया का टेस्ट क्वालिफाई करना, आपको सिक्स क्लास का अलीगढ़ का टेस्ट, ये आपको आईएएस की मत बताओ, आप उसको जज की मत बताओ, आप उसको नीट के डॉक्टर की मत बताओ, उसको बताओ कि छठी में आपको नवोदय का टेस्ट क्लियर करना है, छठी में आपको जामिया का, उसका सिलेबस क्या है, उसका तैयारी कैसे करनी, ये उसको किताबें ला के बात, ये उसको बताओ, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता है तो फिर उसको बताओ नाइन्थ क्लास में, नाइन्थ में नवोदय में एडमिशन होता है, जामिया में एडमिशन होता है नाइन्थ में, अलीगढ़ में एडमिशन होता है नाइन्थ क्लास में, फिर उसको बताओ बेटा तुझे नाइन्थ का जो एग्जाम है ये टारगेट दो उसको अगला नाइन्थ क्लास का, कि नाइन्थ में आपको जामिया में जाना, अलीगढ़ जाना है, नवोदय जाना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, बुक्स लेकर आनी है, पिछले 10 साल के पेपर ऑनलाइन आ जाते आजकल, नहीं तो हमसे कॉन्टेक्ट करो, हम आपको बताएंगे कि वो एग्जाम वो कहां से मिलेगा आपको मटेरियल, वो तैयारी करवाओ, अलग से ट्यूशन लगवाओ, कोचिंग करवाओ, जैसे भी हो सकता है नाइन्थ में सीट मिलो कोई भी तरीका से, जामिया में या अलीगढ़ में या नवोदय में ये सीट मिली और आप ऐसी बस में बैठ जाओगे, वो बस आपको दिल्ली के बस अड्डे पे जाके छोड़ेगी, मुंह तो आपका उदयपुर की बस ले लो, चाहे तमिलनाडु की बस से हर जगह जाएगी, वहां से तो आपको हवाई जहाज भी मिल जाएगा, कहां से, जामिया से, अलीगढ़ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अगर आपका नाइन्थ में भी एडमिशन नहीं होता है तो फिर अपने बच्चे को टारगेट दो बेटा 11th क्लास में आपको कहां लेना है, नवोदय में एडमिशन लेना है, 11th में होता है, आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है, आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में टेस्ट एडमिशन लेना है, आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में टेस्ट लेना, आप उसको 9वीं और 10वीं दोनों पास तैयारी करो, कोचिंग करो, ट्यूशन करो, खुद पढ़ाओ, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर ला के दो, इस तरह छोटे छोटे टारगेट दो, पहले पैदा होते हो जाए तो आईएएस बनो, आईएएस कैसे बनेगा, पहले तो छोटे छोटे टारगेट को फिक्स करने नहीं, बस ये जब कोई सतर्क बनाता है तो जीरो से शुरुआत करता है, पहले एक बनाना है, फिर 10 रन, फिर 20 रन, फिर 50 रन, बात करने को बहुत टाइम चाहिए, स्पेशल बच्चों का टाइम चाहिए, बहुत बातें हैं कहने को, वक्त बहुत कम है और मौके की नजाकत नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा बोल सकूं, बहुत चीजें बता रही है, साइंस और बच गया, सारा साइंस बच गया हमारे पास, नीति आईआईटी नहीं है, इसके अलावा भी दुनिया और है, नीट और आईआईटी के अलावा भी दुनिया और है, उसमें भी हम जा सकते हैं, नाइजर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, आइजर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, वहां जा सकते हैं, बहुत मतलब कहने का मतलब यह है कि दुनिया है, तो कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह हम उसको बात करते रहते हैं, कभी मौका मिलेगा तो एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे, खासकर उन बच्चों के लिए जो 8, 9, 10, 11, 12 में है, और वो प्रोग्राम कब होना चाहिए, वो एग्जाम से पहले होना चाहिए, क्योंकि तब तक बस निकल, बस निकलेगी, अब नहीं है, तो जिन लोगों ने ये प्रोग्राम किया उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और मैं तो यही कहूंगा कि खिलता हुआ गुलाब खुशबू दे आपको, खिलता हुआ गुलाब खुशबू दे आपको, उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला हर खुशी दे आपको, धन्यवाद।